Hi learners, this is Alisha Mahajan from an academy. Hope you are doing well. So, pichle lecture video mein humne current account balance ke bare mein discuss kara. Ab hum discuss karenge, we will be continuing a balance of payment ka part number 2 hai. And in this lecture video, we will be talking about capital account and another important points. तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का वो मतलब होता है जब हमारी ऑनरशिप चेंज हो जाती है. जनरली प्लांट मशीनरी को लोग कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है. मैं बारीकी से आपको बताऊंगी कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है. ध्यान से सुनना ये, क्योंकि सुनने वाला थोड़ा सा काम ज्यादा है इसमें, ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले तो ये लाइन लिखिए, कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट के साथ मिसअंडरस्टूड नहीं करना है. इन दोनों को आपस में मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, ठीक है. अब हम इसको समझाते हैं कैसे, ठीक है. कहते ये नहीं समझना अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मशीनरी का कर रहे हैं, प्लांट का कर रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. ना, ऐसा नहीं है, ठीक है. इट मींस चाहे कोई गुड्स बाहर मिल्क वाला ट्रांसफर, मतलब कंज्यूमेबल गुड ट्रांसफर हो रहा हो, दैट इज मिल्क, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर हो रही हो, ये सब हम करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में डालते हैं, ठीक है. तो याद रखे, सेल और परचेज सभी गुड्स की, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मतलब कैपिटल गुड्स को कैपिटल अकाउंट से कंफ्यूज नहीं करना है. चाहे आपका कैपिटल गुड्स हो चाहे कंज्यूमेबल गुड्स हो, ये दोनों के दोनों गुड्स हमारे करंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है. अब आप कहेंगे अच्छा अगर ये है तो कैपिटल किस खेत की मूली है. सब कैपिटल अकाउंट को समझते हैं. कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है जिससे ऑनरशिप ऑफ एसेट जो है वो चेंज होती है. वो कैसे चेंज होगी? जैसे लोन ले लिया, बोरोइंग्स कर ली, बोरोइंग्स कर ली, लोन ले लिया, इन सब चीजों से हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट आता है. अब समझेंगे इनके कंपोनेंट्स को. जब भी कैपिटल अकाउंट आएगा, प्लांट मशीनरी ये सब नहीं करना, ऑनरशिप चेंज हो रही है, तो पार्ट होगा बोरोइंग्स एंड फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब इनको समझेंगे क्या होता है. सबसे पहले हेडिंग डाले बोरोइंग्स को. बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को आगे डिफाइन करना हो तो यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एक्सटर्नल असिस्टेंस देखे इसको. अब इसको देखे क्या मतलब होता है इसका, ठीक है. जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है, मतलब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया फॉरेन कंट्री को 1%, 2%, 5% पर, और उनसे लोन ले लिया, सिंपल. लेकिन एक्सटर्नल हेल्प क्या होती है, जो आपकी बेसिकली ये वाले जो रेट्स होते हैं, ये मार्केट रेट पर बोरोइंग्स होती है, जो मार्केट में रेट चल रहा है. लेकिन जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है वो आपको मिलती है कंसेशनल रेट पर, जैसे IMF वगैरह देता 1% पर भी लोन दे देता है, उससे भी कम. सो ज्यादातर जो बहुत सस्ते में वेरी चीप काइंड ऑफ बोरोइंग्स होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस. अदरवाइज मार्केट रेट पर मिले तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. ये बोरोइंग्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक हम इसको डिवाइड करेंगे पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FIIs, ठीक है, जो कि अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? वो रेजिडेंट्स, रेजिडेंट नहीं, नॉन रेजिडेंट, वो बाहर के बंदे जो इंडियन कंपनी में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्या करते हैं, उनके शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं। इंडिया के शेयर्स एंड बॉन्ड्स जब फॉरेन के नॉन रेजिडेंट्स खरीदेंगे उसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और एफडीआई का क्या मतलब होता है? एफडीआई इज अ डिफरेंट थिंग, हमने इंटरनेशनल बिजनेस में करा था ना। एफडीआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट जब अपना बिजनेस खोल लेते हैं इंडिया में, जैसे वॉलमार्ट है, ठीक है, बहुत सारे स्टोर्स है इंडिया में, ठीक है। तो अपना बिजनेस इंडिया में, मतलब फॉरेन के लोग जब इंडिया में अपना बिजनेस खोलेंगे उसे हम बोलेंगे एफडीआई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एफआईआई और एफडीआई में। जब मैं बात करूंगी एफआईआई की आप बोलेंगे शेयर्स एंड बॉन्ड, और जब मैं बात करूंगी एफडीआई की आप बात करेंगे किसके बारे में? अपने इंडिया में वो बिजनेस खोल लेना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है? बैंकिंग कैपिटल आ जाती है। बैंकिंग कैपिटल, इसका मतलब क्या है? जब फॉरेन एसेट होल्डिंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक, जब हम किसी बैंक की एसेट, मतलब बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं, लेते हैं पैसा, ठीक है ना, वो आ जाता है। सो व्हेन आई से, सो हमारे कंपोनेंट्स हमने कैपिटल अकाउंट के बताने हो तो हम कैसे इसको करेंगे? पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें एफडीआई अलग आ जाएगा, और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आगे आ जाएंगे, जिन्हें हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। पोर्टफोलियो देखते हैं ना, बॉन्ड्स में लगाना, शेयर्स में लगाना, इक्विटी में लगाना है, पोर्टफोलियो हम इसका बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाती हैं? उसके अलावा हमारे पास कैपिटल अकाउंट में और भी चीजें आ जाती हैं इन इन दोनों के अलावा। वो क्या है, प्लीज राइट इट डाउन, वो भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। कोई NRI ने कुछ डिपॉजिट करवा दिया, बैंकिंग कैपिटल एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट ले लिया, ये सब। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सो NRI डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स, FDIs, FIIs, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन डेफिसिट की, इक्विलिब्रियम की, और साथ में हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। सो सिचुएशंस को हम इनको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।